जय श्री राम बंधु, हिंदू रिचुअल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परम कल्याणकारी दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत मन्वंतर कथा में जिसकी चर्चा की गई है, व्यास जी ने किया था और हम सबके लिए परम कल्याणकारी है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और यही नहीं बाल गंगाधर तिलक जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भगवती की उपासना करके अलग अलग अपने उद्देश्यों को उन्होंने पूरा किया। कालिदास जी महाराज जो सामान्य से जो आज संस्कृत के उद्भट विद्वान माने जाते, सब माँ की कृपा से ही ये संभव हुआ है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ भगवती की उपासना जिस भी कामना से हम करते हैं, माँ उसे अवश्य पूर्ण करती है। दुर्गा सप्तशती में जो है 13 अध्याय है। 13 अध्याय में 3 चरित्र है, प्रथम चरित, मध्यम चरित, उत्तम चरित। प्रथम चरित 1 अध्याय है, मध्यम चरित 2, 3, 4 है और उत्तम चरित 5 से लेकर के 13 अध्याय है। इन सबकी कथा ऐसे बताना तो बड़ा कठिन है। संक्षेप में एक एक चरित, प्रथम चरित मतलब महाकाली का है, मध्यम चरित महालक्ष्मी जी का है और उत्तम चरित जो है माँ सरस्वती जी का है। महाकाली जैसे बचपन में हमारे अंदर जो है ऊर्जा होती है, उसके बाद में फिर हम ऐश्वर्यवान होते हैं और लास्ट में हमको सरस्वती का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम समाज के लिए उपयोगी साबित होते हैं हर रूप से, हर एक दृष्टि से। तो इसलिए जो है ये माँ दुर्गा सप्तशती की उपासना करने से हमारे जीवन में तीनों शक्तियाँ हमें एक साथ में प्रदान हो जाती है माँ दुर्गा भगवती के रूप में। तो उसमें क्या क्या लिखा, उसकी क्या कथाएं हैं, आपको प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्र के माध्यम से मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। श्रवण कीजिए। बोलो काली मैया की जय। जो प्रथम चरित्र है काली माता जी के ऊपर है, जिसको दूसरे मनु के राज्यकाल में सुरथ नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे, उनका राज मंत्रियों के गलत आचरण के कारण उनके हाथ से चला गया था। राजा बहुत दुखित होकर के जंगल में गए। वहां उनकी भेंट जो है मेधा नामक दिव्य मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, समझाया, फिर भी राजा का मोह दुख दूर न हुआ। इन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ। राजा की भांत वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निकाला हुआ व्यक्ति था, वो भी बहुत दुखी था और व्याकुल रहा करता था अपने परिवार वालों के लिए। इन दोनों जो है जो प्रेम में मोह में ग्रस्त व्यक्तियों को मुनि ने अपने जो है अज्ञान दूर ना होने का कारण पूछा, तो ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हारा ज्ञान दूर होगा तो आप जो है महामाया भगवती ही जो माँ दुर्गा जी हैं वही उनके तरफ अपने जो है चरणों, उनके स्वरूप को अपने चरणों में लगाओ, वही जो है सारी जो है मोह माया को दूर करने वाली है। उनका मोह माया इतना बड़ा है कि छोटा सा जो है चिड़िया भी एक दाना खाने के लिए पाती है तो अपने चोंच में लाकर अपने बच्चे को खिलाती है, इतना बड़ा उनका जो है माया। नित्येव सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदं ततम। अथा उनका जो है आप जो है सेवा करो। कहा गया है सुरथ ने ऋषि से पूछा कि महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रभाव क्या है। तो राजा से जो है मुनि जी ने कहा कि जो नित्येव सा जगन मूर्ति, वो नित्य हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु देवों का कार्य बनाने के निमित्त उनका प्रादुर्भाव महाकाली मैया का हुआ था। जब भगवान विष्णु एक बार प्रलय काल के उपरांत क्षीर सागर में से सैया पर योग निद्रा में आराम से आनंद से सो रहे थे, तो उनके कान से जो है 2 मैल निकला और मद और कैटब नाम के 2 महादैत्य जो है उत्पन्न हो गए उनके कानों से भगवान विष्णु के। वह दोनों दैत्य भगवान के नाभि में जो ब्रह्मा जी बैठे थे उनको मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तुति किया, प्रणाम किया उनको और उनसे 3 कामनाएं मांगी। वो निद्रा प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। क्या मांगा? भगवान विष्णु जागृत हो जाए, असुरों का संहार हो जाए और जो है असुरों को मुक्त करके उनका नाश कर दे। भगवती की कृपा से भगवान निद्रा त्याग कर उन दैत्यों को युद्ध में हरा दिए। तत्पश्चात उन असुरों ने मोहग्रस्त होकर भगवान से वर मांगने को कहा और अंत में भगवान उनको वर दिए और वो अपने पाए हुए वर से ही वो मर गए। तदनंतर उसके बाद में राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य के लिए मेधा मुनि भगवती की उपासना तथा ज्ञान योग के भेदों का वर्णन करने लगे। ये काली मैया के जो प्रथम चरित्र की कथा हो गई है। मध्यम चरित्र जो 2, 3, 4 अध्याय का, उसमें बताते हैं ऋषि जी कि राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति जो है निष्काम उपासना के द्वारा, मतलब बिना काम के उपासना और कोई मन की अभिलाषा तो उसके उपासना, दोनों का फल जो है उन्होंने बताया है इन अध्याय में।
पूर्व काल में महिष नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य था। उसने समस्त देवों को पराजित कर दिया और स्वयं इंद्र के आसन पे जाके बैठ गया। अब सब इंद्र आर जो है सारा जब राज चला गया, सभी देवतागण दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव जी से अपनी विपत्तियों को बताया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज जो है प्रकट हुआ। इसी क्रम से सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों को सम्मिलित कर एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र शस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास किया, जो है जोर से जो है आवाज किया। उस घोर गर्जना को सुन करके महिष दानव अपनी बड़ी सी सेना के साथ में उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। महाशक्ति देवी को देखकर वो दानव देवी के साथ युद्ध में लग गया। भगवती तथा उनके वाहन सिंह के क्रोधित होने से उनकी विशाल सेना तथा चिच्छुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। अंत में वो महिषासुर, भैंसा, हाथी तथा अलग अलग वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदनंतर मतलब उसके बाद सभी देवों ने मैया की स्तुति करके वरदान प्राप्त किया, जो बहुत ही अच्छी स्तुति। शक्रादया सुर गणा निहते वीर्ये, बहुत बढ़िया स्तुति है, मेरी प्रिय स्तुति है। आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत व्याख्यान को मतलब पाठ को श्रवण करे अथवा स्वयं करे, वो सभी ऐश्वर्यों को, सभी सुखों को प्राप्त करे। इस प्रकार वर देकर भगवती वहां से अंतर्निहित हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ये मध्यम चरित्र की कथा हो गई। अब उत्तर चरित्र की कथा हम कहते हैं, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सरस्वती माता जी का चरित्र है। इस चरित्र में मेधा मुनि ने इंद्रादि देवों के राज्य चले जाने पर आत्मबल से दुखों का निराकरण तथा पुनः राज्य प्राप्ति का वर्णन और राजा सूरज के उनका जो शोक है, मोह है, उसके नाश होने की कथा का उन्होंने उपदेश बताया है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो महाबलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर उनके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे सभी देवता व्यथित होकर स्थान पाने के लिए मनुष्य लोक में आए। यहाँ आने पर उन लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर दुर्गा देवी की आराधना की। हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे पर पार्वती ने प्रकट होकर के देवों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? तदनंतर उन्हीं के शरीर से शिवा प्रादुर्भाव, शिवा रूपी मैया प्रकट हो गई और पराजय की बात बताई। पार्वती के शरीर से अंबिका की उत्पत्ति हुई। इनका नाम कौशिकी हुआ और शिवा के निर्गत होने से उनका रंग काला हो गया। ये देवी कालिका नाम से हिमालय पर रहने लगी। तब परम रूपवती अंबिका देवी को शुंभ निशुंभ के सेनाध्यक्ष चंडमुंड ने देखा और उनके रूप लावण्य की प्रशंसा शुंभ निशुंभ से की। उसने भगवती को अपने पास लाने के लिए अपने सुग्रीव नामक दैत्य को भेजा। सुग्रीव ने देवी से शुंभ निशुंभ की इच्छा जताई। तब देवी ने उस असुर दूत से कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, जो कोई मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरे समान ही बलशाली होगा, यो में प्रतिबले लोके, मैं उसी से अपना विवाह करूंगी। उत्तर में दूत ने कहा कि तुम अभिमान बस इस तरह की बातें कर रही हो, नहीं तो ऐसा कौन है जो इस विश्व में शुंभ निशुंभ के सम्मुख खड़े होने का साहस करे। इसलिए तुम यदि अपना सम्मान चाहती हो तो मेरे साथ चली आओ। इस पर देवी ने दूत से अपना संदेश शुंभ निशुंभ तक पहुंचाने के लिए कहा। दूत ने शुंभ निशुंभ से अंबिका की बात जाकर कही। तब असुर ने क्रोधित होकर के धूम्र लोचन नामक दैत्य को देवी को पकड़ लाने के लिए भेजा। देवी ने अपने हुंकार से उस राक्षस को भस्म कर डाला और उनके वाहन सिंह ने सेना का विनाश कर दिया। तत्पश्चात असुर राजा की ओर से चंडमुंड नामक राक्षस देवी को पकड़ ले जाने के लिए आए। तब अंबिका ने कोप करके एक काली को अपने ललाट से उत्पन्न किया। काली ने समस्त सेना का विनाश करके चंडमुंड का सिर काट लिया, जिससे उसका नाम चामुंडा हुआ। चंडमुंड का संहार हो जाने पर शुंभ निशुंभ ने एक बहुत बड़ी सेना देवी के पास भेजी। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय आदि देवों की शक्तियां भी असुरों से युद्ध करने के लिए देवी के पास आ पहुंची। तब देवी ने शिव जी को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास कहलाया कि तुम अगर अपना हित चाहते हो तो देवों को उनका राज वापस कर दो, तुम स्वयं पाताल में जाकर निवास करो। अपने अहंकार में आतुर देवी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और युद्ध के लिए रणस्थल में आ गया। देवी ने दैत्यों का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। उधर रक्तबीज नामक दैत्य ने प्रलय का सा दृश्य मचा दिया। उसके शरीर से जितने भी रक्त कण मतलब एक बूंद भी खून का नीचे पृथ्वी पर गिरते ही उतने नए राक्षस रक्तबीज उत्पन्न होकर युद्ध करने लग जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा से कहा कि तुम रक्तबीज के रक्त को अपने मुख में लेकर पान करो, जिससे कि यह दैत्य रक्त रहित, खून रहित होकर पुनः उत्पन्न ना हो। तत्पश्चात उसके शरीर का रक्त समाप्त होते देवी ने उसका मस्तक काट लिया।
इसके बाद निशुंभ घमासान युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारा गया। तब उसका भाई शुंभ देवी से भयंकर युद्ध करने लगा। देवी ने उसे भी अंत में यमलोक भेज दिया। देवगणों ने अंबिका की स्तुति करके देवी को प्रसन्न किया। तदनंतर देवी ने देवगणों से कहा कि जब जब दानों द्वारा उपद्रव होंगे तभी मैं अवतार धारण कर निश्चय ही उनका विनाश करूंगी। इस प्रकार कहकर देवी वहां वही अंतर ध्यान हो गई। तब मेधा ऋषि ने उन्हीं देवी को चारों फलदायिनी कहकर मतलब दुर्गा देवी को राजा सुरथ से उनका शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया। सुरथ को बताया कि इन्हीं की उपासना करो, ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ऋषि के आदेशानुसार उपदेशानुसार नदी के तीर पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन लोगों की उपासना से भगवती प्रसन्न होकर उनके मनोरथ सफल गई। राजा ने भगवती की कृपा से अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त किया। समाधि नामक वैश्य ने देवी से मोह जनित अज्ञान के निवारण का वर पाया। उन दोनों भक्तों को मन चाहा वर प्रदान कर देवी दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो जो भी श्रद्धा पूर्वक जो है माँ की सेवा करता है मैया, उन सबका जो है परम कल। बंधुओं, ये जो मैया का दिव्य चरित्र है श्री दुर्गा सप्तशती, इसका बड़ा ही महत्व है। जिस भी कामना से हम करते हैं माँ हमारी कामना अवश्य पूरी करती है। अगर हम लेकिन इसका अलग अलग तरीका है करने का, अपने गुरुजनों से आप अवश्य पूछिए। और हिंदी पाठ तो ठीक है पर वास्तविक इसके संस्कृत पाठ का ही महत्व है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। और माँ का अलग अलग रूप है, माँ के जैसी दयालु कोई नहीं है, तो कोई भी तकलीफ हो इनकी शरण में बैठ जाइए। और वैसे भी कलो चंडी विनायक हो, कलयुग में जो है माँ भगवती और गजानन जी जो है तुरंत हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। इस बात पर भरोसा करते हुए माँ की शरण करना चाहिए, नवरात्रि आदि व्रत करना चाहिए और जितना हो सके अपनी जो सांसारिक माँ है उनके चरण दबाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको कोई कष्ट ना हो। दोनों माँओं को अपने जो है प्रसन्न रखना चाहिए। अगर हमारी यहाँ की माँ नाराज हो गई, दुखी रही, तो ये माँ हमारी प्रसन्न नहीं होगी। दोनों माँ का ध्यान रखना चाहिए, निश्चित हमारा परम कल्याण होगा। फिर मिलेंगे आपको, एक माँ के और चरित्र के बारे में बताएंगे। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए और मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। और जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लोगों में बात बढ़नी चाहिए। फिर मिलेंगे आपको, जय श्री राम।